शराब के नशे में गाड़ी चला रहे युवकों के वाहन को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। बताया जा रहा है कि हादसा इंदौर के देवासनाका क्षेत्र में हुआ। जानकारी के मुताबिक शाजापुर जिले के मेहंदी गांव निवासी श्याम नामक युवक अपने दो अन्य साथियों के साथ बाइक पर सवार होकर शाजापुर से इंदौर आ रहा था। इंदौर पहुंचने के बाद देवास नाके पर तीनों ने शराब पी, इसके बाद वापस बाइक से आगे बढ़े, लेकिन इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में श्याम की मौत हो गई जबकि उसका एक साथी वल्लभ मालवी घायल हो गया, वहीं तीसरा युवक दिलीप मौके से फरार हो गया। आपका नाम बताइए? तरुण शिवर। तरुण जी बताइए क्या घटना घटी है श्याम जी के साथ, क्या हुआ? ये छुट्टी लेके गए हुए थे 4 दिन की गाँव पे शाजापुर, वहाँ से रिटर्न आ रहे थे, एक ही दिन पलट के आ गए वापस। तो बीच में इन्होंने पी ली, तो ये देवास नाका जो है यहाँ पे इनका एक्सीडेंट हुआ। हम भी 6 बजे ही पहुँचे थे यहाँ अभी शाजापुर में, तो इसी खबर मिली हम यहाँ आ गए। क्या करते थे भैया, क्या शादीशुदा थे? नहीं भैया, नहीं शादीशुदा। क्या काम करते? ये ट्रेनिंग पे था, चाय सुट्टा बार पर। आपका नाम? मैं शाजापुर रहता हूँ। आपका नाम? हाँ, नाम आपका? तरुण शिवर है मेरा नाम। एक्सीडेंट का जो है श्याम पिता बद्रीलाल निवासी ग्राम मेहंदी जिला शाजापुर का, ये मोटरसाइकिल से जा रहा था, किसी अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारने से इसके सिर में चोट आने से इसकी मृत्यु हुई। अच्छा, ठीक। अभी जाँच में है, वाहन का भी पता नहीं चला। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबांड न्यूज, इंदौर।